एग्जाम तक वॉरियर्स। एग्जाम तक वॉरियर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर क्वालिटी और कंटेंट दोनों एक साथ मिलता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैजनाथ फ्रॉम एग्जाम तक वॉरियर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी हैप्पी एट योर होम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। सुबह के बज गए हैं 9 और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए चार पंक्तियों आपको सुनाता हूं, उसके बाद स्टार्ट करूंगा क्लास। मैं चार पंक्तियां आपको एंजॉयमेंट के लिए सुनाता हूं, उसको गलत वे से कभी भी ना लिया करिए। एंजॉयमेंट करिए, रेस्ट करिए, उसके बाद दिमाग को फ्रेश करिए, फिर पढ़ाई स्टार्ट करिए। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। है जो पास उसे संभाल के रखना, है जो पास उसे संभाल के रखना, खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता, खोकर वो कभी दोबारा नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई चीज आपके पास है, अगर वो चीज खो जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई अगर आपके पास है, जैसे आपके मम्मी पापा है, आपको फ्रेंड है, तो उसे आप लोग ना खोए, ठीक है ना। आप लोग उन्हें ऐसा प्यार और सम्मान देना कि वो आपके दिल से ना उतर पाए। तो इस तरीके से आपको रखना है, यानी कि आपको अपने मम्मी से, क्योंकि आज जो है ऐसा दिन है ना, आज चूंकि जिस दिन मैं वीडियो शूट कर वो मदर्स डे पे शूट कर, हो सकता है आपको बाद में वो आप वीडियो देखें, तो मैं ये वैसे माँ की स्पेशल, माँ के स्पेशल के लिए सुना रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ग्रुप्स में शेयर कर दिए। जी हाँ दोस्तों, क्लास टेंथ के ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्लास लेकर हाजिर होता हूं मैं। आइए एक्सरसाइज 8.2 का 2 से क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि 1 वाला सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। 2 का पहला क्वेश्चन जो कि ऑप्शन वाइज है, कह रहा है 2 tan 30 degree अपॉन 1 plus tan square 30 degree, इसका वैल्यू कितना होगा, और चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 2 tan 30 degree by 1 plus tan square 30, इसका आंसर कितना होने वाला, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो इंटू का साइन लगा लीजिए। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। फिर अपान करेंगे 1 plus tan square 30 degree, यानी कि tan 30 degree। अब tan 30 degree का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 यहाँ पे स्क्वायर किया ना, तो यहाँ हम भी स्क्वायर कर देने वाले हैं, ठीक है ना। अगर वहां पे उसने स्क्वायर किया है तो उसका स्क्वायर हमको भी कर देना है। अब देखते हैं क्या करते हैं आगे। यहाँ पे अगर इंटू का निशान है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है 2 by √3 अपान। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, क्या करें सर, 1 plus 1/√3 को जब आप 2 बार लिखते हैं, कितनी बार लिखते हैं 2 बार, जैसे कि हमने ये किया 1/√3 × 1/√3, तो क्या हो जाएगा 1 by √3 और √3 का 3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जा रहा है, तो हो जाएगा 1 plus 1/3। तो फिर क्या करेंगे 2 by √3 अपान, इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस, 3 1 जा 3 1 1 जा 1, तो कितना हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे देखिए बड़ा वाला बट आ चुका है ना, तो हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दे, यही केस होता है। तो 2 into 3 जो बाई 4 into √3। दोस्तों यहाँ पे अगर 2 into 3 है ना, मैंने आपको बता रखा, अगर सारा वीडियो आप सुबह 9 बजे देखते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 into √3, बता चुका हूँ, बटे 4 × √3। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो √3/2 हो गया ना, कितना हो गया √3/2, और √3/2 sin 60° का मान होता है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है sin 60 degree, वही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो वीडियो को अभी सही लाइक कर दीजिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से। तो आइए लेते अगला क्वेश्चन।
स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ठीक है ना, या फिर कॉपी बना लीजिए। आइए लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा क्वेश्चन, पहला भी मैंने आपको बताया है, और लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, ये है क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं कि 10 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 10 45 का 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए बटे 1 प्लस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए बस। तो 1 माइनस, जब आप 1 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, जब आप क्या करते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं तो वो 1 ही आता है, और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 मिलकर 2, 0 में 2 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो 0 है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा, फटाफट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो जिस चैनल पर मिलती रहती है। क्वेश्चन दूसरा का तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a, तब सत्य होता है जब, ऑप्शन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, या फिर ये साइन 2a बराबर 2 sin a सही कब होता है, जब हम साइन का वैल्यू 30° लेते हैं, या साइन का वैल्यू कितना लेते हैं 45 डिग्री लेते हैं, या साइन का वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री। दोस्तों यहाँ अगर हम यहाँ पर कह रहा है ए बराबर है, तो ए बराबर हम 0 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं 0 डिग्री, तो ऑप्शन इसका पहला सही है, क्या है पहला सही है, क्योंकि जब आप ए 0 लेंगे ना, तो साइन 2 × 0° इज इक्वल टू 2 sin 0° यही तो हुआ, साइन 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 इज इक्वल टू 2 sin 0, साइन 0 का मान 0 होता है ना, 2 का 0 में गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान भी 0 होता है, यानी कि 0 बराबर 0, ऑप्शन ए जो 0 रखने के लिए कह रहा है ना, वही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, वही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, सुबह 9 बजे डेली आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी ठीक है ना, दूसरा का चौथा वो भी फ्री में, ऐसा नहीं कि पेड वर्जन चल रहा है। चौथा कह रहा है 2 tan 30° अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ज्यादा टफ नहीं है, 2 है × tan 30° का मान होता है 1/3, कितना होता है 1/3 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यानी कि 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। कहेंगे सर 1/3 आपने कैसे लिख दिया, 10 30° का मान 1/3 होता है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आप लिखेंगे ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा 2 में गुणा करेंगे 2 × 2 2/3 हो जाएगा, बटा ये 3 × 3 और 1 में इसको हल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बड़ा वाला केस बनना, बड़ा वाला बटा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा था इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 / 2 × 3, ये हो जाएगा, तो 2 × 3 को लिख सकते हैं 3 × 3 और बटे 2 × 3, यहाँ दिया है 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 बच गया, और 3 की इसका वैल्यू है 10 60° का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है। फटाफट वीडियो को आप लोग सभी लोग शेयर कर दो और लाइक कर दो। आइए क्वेश्चन तीसरा लेते हैं, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन तीसरे की बात करते हैं, कह रहा है यदि tan a + b यह दे रखा है √3, क्या दे रखा है √3, और tan a - b यह दे रखा है 1/√3, तो कह रहा है a और b के मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे
टेन ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है कड़ी में तीन, अर्थात दे रखा रूट थ्री, कितना दे रखा है रूट थ्री, और टेन ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा वन बाई रूट थ्री। अब यहाँ पे ये देखिए कि टेन का कौन सा मान रूट थ्री होता है दोस्तों, तो टेन साठ अंश का होता है ना, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि दोस्तों कड़ी में तीन टेन साठ अंश का ही मान होता है। अगर यहाँ पे हम ऐसे करते हैं अभी समझ में, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री, ये हम कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ए प्लस बी बराबर साठ अंश, ये हो जाएगा समीकरण नंबर एक। यहाँ टेन ए माइनस बी बराबर एक बटे कड़ी में तीन है, उसी तरीके से यहाँ तो हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर दो, क्योंकि एक बटे कड़ी में तीन टेन 30 अंश का मान होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को हम करेंगे जोड़ देंगे, एक और दो को क्या करने पर, जोड़ने पर, जब एक और दो को हम जोड़ेंगे प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एक और एक मिलकर हो जाएगा टू ए, साठ तीस मिलकर हो जाएगा 90 डिग्री, तो ए का मान हो जाएगा दो से 90 भाग देंगे तो 45 डिग्री, ए का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया 45 डिग्री। अब जो ए का मान 45 डिग्री आया है आप समीकरण एक में रख दीजिए, समीकरण एक ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना, तो ए का वैल्यू 45 रख दीजिए, प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री या प्लस 45 उधर जाकर माइनस 45, घटाएंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री, यानी कि जहां पर आंसर आ चुका है ए बराबर आ जाएगा 45 डिग्री और बी बराबर आ जाएगा 15 डिग्री, यही आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। और बाकी जो चौथा क्वेश्चन सही गलत उसका आप लोग कर लीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं कल एक्सरसाइज 8.3 के साथ। जी हाँ दोस्तों, कल मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद दोस्तों।